वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक के सुपर स्टॉक ब्लैक क्रेडिट कार्ड के बारे में। उसके बेनिफिट्स फीचर्स इस वीडियो में कवर करेंगे, कैसा क्रेडिट कार्ड है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या ज्वाइनिंग फीस है, क्या एनुअल फीस है इस क्रेडिट कार्ड की और क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है। फुल डिटेल के साथ मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। मैं हूँ धीरज, आप देख रहे हैं टेक धीरज। बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले वेलकम गिफ्ट वाउचर की। तो इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 1500 रुपये का ई गिफ्ट वाउचर मिलता है सुपर स्टॉक का। अगर आप सुपर स्टॉक के प्राइवेट लेवल ब्रांड पर 5000 रुपये की शॉपिंग करेंगे तब आपको ये 1500 रुपये का बेनिफिट होगा, वो आपको कम करके दिया जाएगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पर एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट मिलेगा। एक क्वार्टर में आपको 4 डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट मिलेगा और 2 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट मिलेगा इस क्रेडिट कार्ड पर। मतलब 16 डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिलेंगे आपको एक साल में और 8 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पर आपको मिलेगा। 1% का फ्यूल सरचार्ज वीवर इस क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा और 1 महीने में हाईएस्ट आप 500 रुपये तक का फ्यूल सरचार्ज वीवर ले सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। और 0 लायबिलिटी लॉस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी इस क्रेडिट कार्ड पर आपको मिलने वाली है। इंश्योरेंस कवर की अगर मैं बात करूं तो इस क्रेडिट कार्ड पर आपको एयर एक्सीडेंटल कवर मिलेगा 3 करोड़ रुपए का और इमरजेंसी ओवरसीज हॉस्पिटलाइजेशन पर आपको 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के की फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको रिवार्ड पॉइंट की जगह फर्स्ट सिटीजन पॉइंट मिलेंगे अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से सुपर स्टॉक के प्राइवेट लेवल ब्रांड पर 150 रुपये स्पेंड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 20 रिवार्ड पॉइंट और 1 महीने में हाईएस्ट आप 2000 रिवार्ड पॉइंट मतलब फर्स्ट सिटीजन पॉइंट अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सुपर स्टॉक पर प्राइवेट लेवल ब्रांड के अलावा अदर ब्रांडों पर शॉपिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको 150 रुपये पर 15 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे और 1 महीने में यहाँ पर भी आप 2000 रिवार्ड पॉइंट से ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते, मतलब फर्स्ट सिटीजन पॉइंट आप 2000 ले सकते हैं। अदर कैटेगरी पर अगर आप 150 रुपये स्पेंड करेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेंगे 5 रिवार्ड पॉइंट मतलब 5 फर्स्ट सिटीजन पॉइंट मिलेंगे। फ्यूल पर और रेंट पेमेंट पर आपको किसी भी तरीके के फर्स्ट सिटीजन पॉइंट नहीं मिलेंगे। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री ब्लैक मेंबरशिप इस क्रेडिट कार्ड पर आपको मिलेगी। अगर आप रेंट पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 1% रेंट पेमेंट पे करना पड़ेगा और ग्रोसरी पर हाईएस्ट आप 1 महीने में 1000 फर्स्ट सिटीजन पॉइंट अर्न कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड पर। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस पर आपको 1% फीस पे करनी पड़ेगी। इस कार्ड के ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस की अगर मैं बात करूं तो ज्वाइनिंग फीस है इस क्रेडिट कार्ड की 5000 रुपये प्लस GST और एनुअल फीस भी इसकी 5000 रुपये प्लस GST है इस क्रेडिट कार्ड की। इस कार्ड के एलिजिबल क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी जो एज है 21 साल से 60 साल की होनी चाहिए, 2 लाख रुपए इनकम होनी चाहिए आपकी। इसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी जो एज है 21 साल से 65 साल होनी चाहिए और 8 लाख रुपए की आप ITR फिल करेंगे तभी आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए आप एलिजिबल होते हैं। मेरे ओपिनियन की अगर इस क्रेडिट कार्ड पर मैं बात करूँ फीस एंड चार्जेज के हिसाब से ये क्रेडिट कार्ड अच्छा नहीं है। 5000 रुपये फीस पे कर आपको बेनिफिट्स के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है, केवल सुपर स्टॉक पर ही अच्छे बेनिफिट मिल रहे हैं और लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट ठीक ठाक मिल रहा है। इसके अलावा एडिशनल कोई बेनिफिट नहीं है तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना और मेहनत अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं।